वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंजीनियर्स इंडिया के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जो यहाँ पे पब्लिश हुए हैं उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इंजीनियर्स इंडिया के रिजल्ट यहाँ पे जो क्वार्टर थ्री के हैं वो यहाँ पे कैसे आए हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे लैक्स में दी गई है। तो आ जाते हैं यहाँ पे जो टोटल इनकम हुआ है वो इस क्वार्टर यहाँ पे कितना हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं 885 करोड़ के आसपास यहाँ पे हुआ है। पिछले क्वार्टर यहाँ पे 823 करोड़ के आसपास हुआ था। लास्ट ईयर यहाँ पे हुआ था 856 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सेल्स में आपको बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। अब मेन बात है यहाँ पे एक्सपेंसेस, खर्चे यहाँ पे कितने बढ़े हैं वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। 817 करोड़ का यहाँ पे इस क्वार्टर का खर्चा है और लास्ट क्वार्टर का खर्चा जो आया है 690 करोड़ के आसपास और लास्ट ईयर यहाँ पे 791 करोड़ के आसपास। तो खर्चे यहाँ पे क्या हुए हैं, खर्चे भी इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन भी और लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया है। प्रॉफिट जो आया है वो यहाँ पे पीरियड 9-10 के लिए कितना आया है वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास आया है और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 102 करोड़ के आसपास आया था और लास्ट ईयर यहाँ पे 47 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे जंप दिखाई पड़ा है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट पड़ा है। 50% यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। आपको रिजल्ट कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपका ही हर एक लाइक हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके जाइएगा।